वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के। और अब तो त्योहारों का समय शुरू हो ही चुका है। यहाँ पे मैं कुछ बहुत दिनों से पड़ी हुई चीज़ों को सोच रही थी, दिमाग में चल रहा था, बट वो कार्यान्वित नहीं कर पा रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था एक ये वॉलपेपर, तो इसमें सेल्फ एडहेसिव है, तो इसको मैं लगा रही हूँ अपने वैक्यूम क्लीनर के डब्बे पे। एक्चुअली ये डब्बा बहुत बड़ा है और वैक्यूम क्लीनर भी इतना बड़ा है, इसको बिना किसी कवरेज के रख नहीं सकती मैं। और ये इसके लिए बहुत ही सिक्योर जगह मुझे लगती है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मल्टीपर्पज़ बना रही हूँ। ऐसे ये डब्बा कहीं भी रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है, या तो स्टोर में रहे और स्टोर भी बहुत भर जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो इसको मैं बाहर रखती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि ये डब्बे को बाहर रख करके और इसको मल्टी फंक्शनल हो जाएगा, ये इस टाइप से सोच रखा है। तो मैं इस पे लगा रही हूँ ये वॉलपेपर। मैंने मंगाया था इस टाइप का कि जिसका टेक्सचर वुडन टाइप का हो लुक वाइज, बट ये बहुत ही लाइट कलर में आया। और जब मैंने इसको ओपन करके देखा तो ये इतना लाइट कलर था। मैं एक्चुअली ये डार्क ब्राउन में चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने देखा ही इसको टाइम ओवर हो जाने के बाद देखा था। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है इसको कर लेते हैं, फिर कभी चेंज कर लेंगे। और तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। बड़ा आराम से, बड़ा स्मूथली लग जाता है। और बस सिंपल जैसे पेपर्स वगैरह आप चढ़ाते हैं उसमें तो आपको ग्लू लगाना पड़ता है, तो इसमें आपको ग्लू नहीं लगाना है, इसमें बस आपको पेपर रैप इसका निकालते जाना है और इसको चिपकाते जाना है। तो बस जहाँ पे कट्स की ज़रूरत है वहाँ मैंने कट लगाए हैं और इसको स्मूथ करने की मैक्सिमम कोशिश करी है विदाउट हेल्प, क्योंकि आजकल तो बच्चों का भी पढ़ाई का अपना प्रेशर रहता है, हस्बैंड खुद ही ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, तो आजकल किसी की हेल्प मिलती नहीं है। तो मैं खुद ही जो भी मुझे समझ में आता है अपना टाइम भी यूटिलाइज़ करती हूँ, और पुरानी हुई पड़ी हुई चीज़ें जो बहुत दिनों से सोच रखा था मैंने कि इन सब चीज़ों को सेव कर लूँ, कुछ ये सब चीज़ें बहुत दिनों से दिमाग में थी फ्रेंड्स। बट ना वही था कि ना तो वॉलपेपर सेलेक्ट कर पा रही थी, ना तो मंगा पा रही थी, और मंगाया भी तो देखिए क्या आया है। बट ठीक है यार, सो के बहुत ज़्यादा तो इन सब चीज़ों की लाइफ नहीं होती है, बट फिर भी ठीक है, फॉर अ चेंज कम से कम इसकी प्रिंटिंग नहीं दिख रही है, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और इसको मैंने पूरा फुली कवर कर लिया था, फिर मैंने सोचा कि ये इस तरह तो रखूँगी तो कहीं अच्छा नहीं लगेगा, देखिए हाथ से स्लिप हो गया, तो इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। फिर मुझे लगा कि मैं इसमें पुराना एक और मेरे पास ये गत्ते का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके भी चारों तरफ से कट कर लिया और इसके ऊपर टॉप बनाने का सोचा। अगर ऐसे इसके एकदम बराबर ही हो रहा था ये, और इससे बड़ा मेरे पास कार्टन था नहीं, तो मैंने इसको डबल लेयर वाला ही लेकर के किनारे के इसके सारे पार्ट्स मैंने अलग कर दिए थे, और यहाँ पर इसको मैं टेप से सिक्योर कर ले रही हूँ अच्छे से कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, बिल्कुल ये लूज़ ना रहे और काफ़ी हार्ड होके ये तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए। और इसके बाद में इसका फ्लिप टाइप का जो इसका कवर होता है वो इसको डबल साइडेड टेप से ऐड करूँगी, तो ये बहुत अच्छे से निखर के आया। और मैंने इसका एक लुक भी क्रिएट किया है फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिएगा, अभी आगे आपको दिखेगा। तो मैंने इसको एज अ साइड टेबल, एज अ कॉर्नर टेबल, आप इसको कुछ भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनल है, मल्टी यूज़ है इसके। और ये अभी आपको बनने के बाद पूरा लुक मैं इसका दिखाने वाली हूँ लाइट्स के साथ में और थोड़े से डेकोरेशन के साथ। तो दोस्तों अभी से बोल रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मैं पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना के लाती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं।